Okay, so now so far we have discussed what are the various important parts of human eye and how we are able to see the nearby and the faraway objects, right? It is the function of the lens to change its shape and size in order to focus on nearby and faraway objects. Clear? If we need to see a nearby object, the lens becomes thick, the focal length decreases, and we can see the nearby objects. And if we want to see the distant objects, then the lens becomes thin and the focal length increases, so we can see faraway objects. Clear? Now, what happens is, you must have observed that sometimes it becomes difficult for people to see nearby objects, and for some it becomes difficult to see the faraway objects, right? ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पास का दिखना बंद हो जाता है, तो कुछ लोगों को दूर का दिखना बंद हो जाता है. Yes, with the passage of time, rather यंग चिल्ड्रन में भी अब ये प्रॉब्लम आने लगी है. आप देख सकते हो, देर आर मेनी यंग चिल्ड्रन हु आर वेयरिंग स्पेक्स. उनसे पूछो क्या हुआ तो बोलते हैं कुछ नहीं, पास की नजर कमजोर हो गई है, बच्चे को पास का नहीं दिखता या बच्चे को दूर का नहीं दिखता. क्लास में वो बैठा होता है, उसको ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता. तो ये सब क्या है? कभी कभी क्या होता है, आईज जो होती है वो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो लूज करना स्टार्ट कर देती है, राइट? पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स हाउ अ लेंस एडजस्टेस इट्स फोकल लेंथ इन ऑर्डर टू सी द क्लोज एंड द फार अवे ऑब्जेक्ट्स. सो कभी कभी क्या होता है, आईज जो होती हैं वो अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन को लूज करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड इसी वजह से लोगों को पास का या दूर का दिखना बंद हो जाता है, ठीक? ब्लर दिखने लगता है या बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है. तो इन चीजों को हम बोलते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन. डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देखने में क्या खराबी आ गई है, देखने में क्या डिफेक्ट्स आ गए हैं, ठीक? तीन टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, रादर फोर टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट डिफेक्ट होता है मायोपिया, ठीक? फर्स्ट डिफेक्ट इज मायोपिया. मायोपिया मतलब कि आपको पास का नजर आ रहा है लेकिन दूर का नजर नहीं आ रहा, ठीक? मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, मायोपिया में आपको पास का नजर आता है लेकिन दूर का नजर नहीं आता. क्लियर? ये मैं डिटेल में अभी सारे एक्सप्लेन कर दूंगी. सेकेंड टाइप का डिफेक्ट है, यस, हाइपर मेट्रोपिया. हाइपर मेट्रोपिया का मतलब है कि दूर का नजर आ जाता है लेकिन पास का नजर नहीं आता. सो हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है? हाइपरमेट्रोपिया इज व्हेन अ पर्सन इज एबल टू सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स बट ही कैनॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक? देन थर्ड
होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये ओल्ड ओके अलकम अगेन। देखो मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। मायोपिया में क्या होता है, आप पास की चीजों को आराम से देख सकते हो लेकिन दूर की चीजें आपको नजर नहीं आती, आपको स्पेक्स पहनना पड़ेगा दूर की चीजों को देखने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीजें कंफर्टेबली नजर आ जाती हैं लेकिन आप पास की चीजों को नहीं देख सकते, ठीक। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी बोल सकते हैं बिकॉज आप फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को मैं बोल सकती हूं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, मतलब जब बूढ़े लोगों में, ओल्ड एज पीपल में हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, दिस इज प्रेसबायोपिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये देख लो दैट प्रेसबायोपिया इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, जब बूढ़े लोगों में हाइपरमेट्रोपिया हो जाए। एंड लास्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जिसको हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना कि भाई उसको मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सो दिस इज कैटरैक्ट। ओके, नाउ इन सब को अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। लेट्स डिस्कस मायोपिया फर्स्ट। कर दूं मैं रेस? प्रेसबायोपिया इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, जब बूढ़े लोगों में हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, दैट इज प्रेसबायोपिया। अभी अभी मैं डिटेल में समझा रही हूं सारी चीजें। ओके, नाउ सो फर्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया और नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक। मायोपिया में क्या होता है, अ पर्सन कैन सी, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इजिली बट ही कैनॉट सी, बट कैनॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, एक पर्सन को पास की चीजें बड़े आराम से दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती, ठीक। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक। ऐसे लोगों को जो उनका नियर पॉइंट है वो तो 25 सेंटीमीटर्स ही रहता है लेकिन जो फार पॉइंट है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों में जो नियर पॉइंट है वो तो 25 सेंटीमीटर्स ही रहता है लेकिन जो उनका फार पॉइंट है, फार पॉइंट कितना था, इन्फिनिटी, राइट। सो ऐसे लोगों में जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से कम हो जाता है। भाई उन्हें दूर की चीजें नहीं दिख रही, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं तो मेरे लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी है और मुझे दूर का ऑब्जेक्ट बड़े आराम से दिख जाएगा। लेकिन मान लो अगर मेरे लिए वो फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो गया
सो दैट मीन्स मुझे अब वो दूर की चीज नहीं दिखेगी. सो दिस इज मायोपिया. ठीक, मायोपिया में नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ही रहता है, लेकिन फार पॉइंट इंफिनिटी से कम हो जाता है. ठीक, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे दो रीजंस हैं. फर्स्ट रीजन है कि आपका जो आईबॉल है वो इलोंगेट हो जाता है. आई बॉल इलोंगेट्स. ठीक, एंड दूसरा रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलिड्स. ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से मायोपिया होता है. क्या रीजन है? कि एक तो जो आपकी आईबॉल है वो एलोंगेट हो जाती है, बढ़ जाती है, और आपके आईलेंस का जो कर्वेचर है वो भी ज्यादा हो जाता है. जितना ज्यादा कर्वेचर होगा फोकल लेंथ उतनी कम होगी, राइट? और दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए. क्लियर? ये आपको मैंने पावर ऑफ अकोमोडेशन में समझाया था कि अगर मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो कर्वेचर क्या होना चाहिए ताकि फोकल है. हाँ, हमारा अगर मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो कर्वेचर कम होना चाहिए ताकि फोकल लेंथ बढ़ जाए. अब यहां पे क्या हो रहा है? कर्वेचर बढ़ रहा है. कर्वेचर बढ़ने से फोकल लेंथ कम हो जाएगी, एंड फोकल लेंथ कम होने की वजह से आपको दूर का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा. ये रीजन है मायोपिया होने का, राइट? अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो क्या हो है? देखिए, अगर मैं डायग्राम बनाऊं मायोपिया के लिए, ध्यान से देखना. ठीक, सपोज ये आपकी ह्यूमन आई है. क्लियर? अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, नॉर्मल आई के लिए लाइट रेस आएंगी, कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी एंड रेटिना पर वो इमेज बना देंगे. क्लियर? दिस इज फॉर अ नॉर्मल आई. अगर किसी की बिल्कुल नॉर्मल आई है तो उसके लिए ये सिचुएशन रहेगी कि लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट से आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस उसे कन्वर्ज कर रहा है और रेटिना पर इमेज बना रहा है. ठीक, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में अब पास के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पा रहे, राइट? मतलब इन्फिनिटी से मान लो रेज आ रही है, सो ये रेज इन्फिनिटी से आई एंड दे आर एंटरिंग द कॉन्वेक्स लेंस. लेट्स से ओ डैश, यहां पर ओ था. ठीक, कि ये ऑब्जेक्ट आराम से देख पा रहा है, बट इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आ रही हैं तो उसको आपकी ह्यूमन आई नहीं देख पा रही. क्लियर? क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि जिस पर्सन को मायोपिया होता है उस पर्सन के लिए इमेज रेटिना पर नहीं बनती. ये लाइट रेज रेटिना पर पहुंचने से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है. समझ आया? जिस पर्सन को मायोपिया है वो पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता. क्यों नहीं देख पाता?
पहला रीजन कि आईबॉल एलोंगेट हो जाता है, दूसरा रीजन कर्वेचर एक्सेसिवली बढ़ जाता है, एंड इसकी वजह से जो लाइट रेज आपकी नॉर्मली मीट करनी चाहिए थी रेटिना पर, वो लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना से पहले ही आपस में कन्वर्ज कर जाती है। ठीक, अब सोचो जब दूर से एक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है और वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर जाए तो रेटिना तक तो पहुंची ही नहीं, तो रेटिना पर इमेज बनेगी कहां से? तो जब रेटिना पर पहुंची ही नहीं और रेटिना पर इमेज ही नहीं बनी तो आपको दूर का ऑब्जेक्ट नजर ही नहीं आएगा, करेक्ट? तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए उस पर्सन को स्पेक्स पहनने पड़ेंगे। अब कौन से लेंस के स्पेक्स वो पर्सन पहने, अब ये देखना पड़ेगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी नॉर्मल ह्यूमन आई है, राइट, एंड यहां से लाइट रेज आ रही है। ठीक, अब देखो लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज कर गई है, मुझे लाइट रेज को दूर भेजना है, स्प्रेड करना है मुझे लाइट रेज को। सो कौन सा लेंस है जो लाइट रेज को स्प्रेड कर देता है, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस? कॉनकेव लेंस, एग्जैक्टली। तो मायोपिया में हमें कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा ताकि जो लाइट रेज आपकी रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर रही थी वो रेटिना पर कन्वर्ज हो और इमेज बना दे। सो यू विल यूज कॉनकेव लेंस सो दैट आपकी इमेज वापस रेटिना पर ही बने। क्लियर? बताइए। सो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि जिन भी पर्संस को मायोपिया होता है उन लोगों को पास की चीजें दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। तो अगर उन्हें दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो उन्हें ऐसे स्पेक्स पहनने पड़ेंगे जो कॉनकेव लेंस वाले हो, या इफ दैट पर्सन इज यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज so he has to use concave lenses so that he is able to see the far away objects clearly. Clear? जैसे ही concave lens वो use करेगा जो image retina से पहले बन रही थी वापिस वो image retina पे बन जाएगी and उस person को concave lens की help से दूर के objects भी आराम से नजर आ जाएंगे। क्लियर? दिस इज मायोपिया।